मौजूद हैं सिसवा ब्लॉक के ग्राम सभा पोखरगंडा में, और जहाँ पे ये पुलिया आप जो देख रहे हैं, ये इसी की हम आपको कहानी बताएंगे जो कि अभी पूरा बरसात नहीं झेल पाया और नया निर्माण हुआ है इस रोड का, ये संबंधित गांवों को जोड़ता है। फिलहाल मैं बता दूं कि ये चिलौल चूटहा मार्ग से होते हुए विभिन्न ग्राम सभाओं से गुजरते हुए ये जो मार्ग है, ये पोखरबिंडा सुगौली से होते हुए सीधे ये जाता है कमता और घोरनाथ, और सीधे ये जोड़ता है निचलौल सिसवा मार्ग को, बाईपास ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जो संबंधित फर्म है निर्माण कराया है, आप देख सकते हैं कि पुलिया के किनारे रोड जो है खिसक गया है, धंस गया है। अभी बरसात जो है एक ही बार हुआ है, एक बार हुआ है हल्का हल्का कभी, लेकिन ये रोड जो है इतनी लापरवाही देकर संबंधित फर्म द्वारा बनवाया गया है कि जवाब देने को आतुर है। आपको सामने दिख रहा है, और यहाँ पे ग्राम सभा के भी लोग, कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। फिलहाल आए दिन ग्रामीण इस मार्ग से अपना काम लेते हैं, अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम इससे होता रहता है। और ये गाँवों को जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है, यहाँ देख सकते हैं ये नदी है, छोटी नदी है, निकलती है यहाँ से, और इसी पर ये पुलिया बना हुआ है। तो पुलिया जो संबंधित फर्म या पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया है, किनारे किनारे ये रोड जो है टूटने लगा है, ये रोड धंसने लगा है, और इसी तरह रहा तो अभी बरसात का पूरा सीज़न बीता नहीं कि रोड जो है जवाब देने लगा है। आपको बता दें कि आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो देखिए नई मिट्टी का भरान हुआ है, और तत्काल में ही नई मिट्टी के भरान के ऊपर ही ये रोड का निर्माण करा दिया गया है। ये साफ साफ लापरवाही पता चल रही है कि अगर नई भरान पर आप कोई भी निर्माण कराते हैं तो भरान या निर्माण धराशायी होना है, जबकि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को इसका कोई ख्याल नहीं रहा, बस खाना पूर्ति करते हुए किसी तरह अपने माथे का जो झंझट था एक कार्य के रूप में खाना पूर्ति करते हुए इसे करा दिया गया है। जबकि भारी वाहन जब भी गुजरेंगे इस पुलिया से तो जाहिर सी बात है दुर्घटना होने की संभावना, जान माल का खतरा हो सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जहां सड़क निर्माण के लिए इतनी कवायद तेज की है, जहां जिलों को जोड़ने के लिए, तहसील को जोड़ने के लिए सड़कों में जो बजट पास हुआ है वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो ये लापरवाही दिख रही है आप साफ साफ देख सकते हैं। ये पुलिया आप हमारे कैमरामैन थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक का जो भरान है ये नई भरान है, और नई भरान के तहत देख सकते हैं कि अभी हाल ही में बूंदाबांदी हुई है, 15 दिन मात्र हुए हैं इस रोड के निर्माण को लेकर, और ये रोड धंसने लगा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही भरी ये काम की गई है संबंधित फर्म द्वारा। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए ये जो पुलिया के किनारे ये देखिए ये रोड जो है ये फंस चुका है, अगर इस पर से कोई भारी वाहन आएगा, देखिए कम से कम 1 मीटर ये मतलब संबंधित सतह से ये गड्ढा हो चुका है, अगर कोई भारी वाहन इस पर गुजरता है तो जाहिर सी बात है वाहन धंसने का खतरा रहेगा और संबंधित दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। फिलहाल ऐसे में जो देख सकते हैं रोड के किनारे जो मिट्टी है वो अगर बारिश पाएगी, बारिश पाने के पश्चात ये मिट्टी गलेगी और मिट्टी ढहेगी, और मिट्टी जब ढहेगी तो नवनिर्माण जो ये रोड है जो खानापूर्ति द्वारा बनाया गया है इसका तो धंसना लाजमी है और धंसेगा भी। फिलहाल हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अगर इस तरह का कार्य पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा या विभाग द्वारा हो रहा है तो ये कतई सरासर गलत है, और इस पे संज्ञान लेते हुए तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करके इस रोड का पुनः निर्माण किया जाए। धन्यवाद।